सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्यूशन पॉइंट एंड स्टार क्लासेस विद अफजल सैफी। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं दो और नए वर्ड्स के बारे में, दो और नई चीज़ों के बारे में जो कि हैं ईच अदर एंड वन अनदर। तो ईच अदर हो या वन अनदर हो, दोनों का ही मतलब होता है एक दूसरे से या आपस में। लेकिन अगर दोनों का ही मतलब एक दूसरे से आपस में है तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, दोनों को कैसे अलग अलग सेंटेंस में यूज़ किया जाता है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ईच अदर। ईच अदर का यूज़ हम उन सेंटेंसेस में करते हैं जब हमारे पास दो सब्जेक्ट या फिर हम किसी भी दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं आपस वाली या एक दूसरे से वाली। जैसे राम और श्याम आपस में बातें कर रहे हैं, राम और श्याम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर। लेकिन अगर सेंटेंस है हमारा कि राम श्याम और गीता आपस में बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सन दो नहीं, पर्सन दो से ज़्यादा है, तीन हैं। तो राम श्याम एंड गीता आर टॉकिंग टू वन अनदर, क्योंकि दो से ज़्यादा के लिए हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, अगर दो की बात हो रही है तो ईच अदर, और दो से ज़्यादा की बात हो रही है चाहे वो कितने भी हैं तो वन अनदर। तो ऐसी ही वीडियोज़ को देखते रहिए, हमारे पेज के साथ बने रहिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आपकी वीडियो जल्द से जल्द बनाकर प्रेजेंट की जाएगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे पेज के साथ स्टार ट्यूशन पॉइंट और स्टार क्लासेस के साथ, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं और बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तब तक के लिए स्टार अफजल सैफी का गुड बाय।